and you are the one who bought us, you know, who made us proud. Tell us the time when you started this journey. Pawan ji, piche, camera piche. So, journey, so journey, apni chai karke, ek chai ki shop hai, wahan se shuru hui thi, jahan pe, to bahut amazing hai, Prateek, dono ka naam Prateek hai. तो जहाँ पे प्रतीक और मैं मिले थे गुड़गांव में एक शॉप है वहाँ पे हमने डिसाइड किया कि हमें 100 करोड़ लोगों की ज़िंदगी जो है वो बेटर करनी है तो उसके लिए हमें समझना आया कि अगर हम ब्लॉकचेन की एक कंपनी बनाते हैं तो उससे बहुत इजी होगा उसे स्केल करना हमने जब बनाया था तो हमने तभी सोचा था कि एक साल के अंदर हमें यूनिकॉर्न स्टेटस हिट करना है मतलब वर्ल्ड की वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिलियन डॉलर कंपनीज बनानी है मतलब 8,000 करोड़ की कंपनी एक साल से नीचे करनी है तब जिस जो भी हमारे साथ धीरे धीरे जुड़ता गया उसकी वजह से ये पॉसिबल हुआ चाहे वो गवर्नमेंट का सपोर्ट बहुत रहा चाहे वो बड़ी बड़ी कंपनी का सपोर्ट बहुत रहा हमारी आज टीम 110 लोगों की हो चुकी है उनका सपोर्ट बहुत रहा और आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंटली हमारे पेरेंट्स का जो ब्लेसिंग और सपोर्ट है वो भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहा क्योंकि जब हम जर्नी शुरू कर रहे थे तो किसी को भरोसा नहीं हो रहा था कि हम ये कर पाए और हम एक नॉर्मल फैमिली से आते हैं तो उस पर लोगों को और लगता है कि सिर्फ अगर कोई बहुत अमीर घर में पैदा हो रहा है कोई वो ये सब कर पाएंगे तो एक उसको शैटर करना वो हमारे लिए सबसे बड़ा एक चैलेंज था बट क्योंकि हमारे पेरेंट्स हमारे साथ थे हम दोनों के और उसके बाद जैसे जर्नी बढ़ी आज हमारे साथ 200 से ऊपर लोग जुड़ चुके हैं 110 हमारी टीम में काम करते हैं बट 100 से ऊपर सपोर्टर्स हैं हमारे तो मैं क्या हम लोग ये पॉसिबल कर रहा हूँ वेरी इंपॉर्टेंट यू नो अनुभव ठाकुर साहब केंद्रीय मंत्री एंड अपार्ट फ्रॉम हिम पीयूष गोयल साहब उन्होंने ट्वीट किया आप दोनों के बारे में ये कितना गौरवान्वित करती है कितना हौसला अफजाई करती है यू नो जब केंद्र में बैठी सरकार केंद्र में बैठे लोग आपके काम को सराहते हैं और आदर्श बताते हैं युवा पीढ़ी के लिए नहीं बहुत ज़रूरी बात है क्योंकि हमने देखा कि जब से हमने शुरू किया है जैसे प्रतीक ने बोला कि जब से हमने एक कंपनी शुरू की है तो हमारे पास जो गवर्नमेंट का और मीडिया का सपोर्ट बना ही रहा है तो मेरे नज़र से तो ये लगता है कि जो हमारा विजन है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमें इन सबकी बहुत ज़रूरत होगी और बहुत अच्छा लग रहा है कि सब लोग देख रहे हैं जो हम अच्छा काम कर रहे हैं और आगे भी हम करते रहे आपके और दोनों से एक सवाल और भी है क्या इसी टेक्नोलॉजी को सुरक्षा के लिहाज से भी इस्तेमाल करने की कोई प्लानिंग है एनीथिंग इज देयर इन द पाइपलाइन वी वांट टू शेयर डेफिनेटली हम लोग ऑलरेडी वो जो है चीज़ें बना रहे हैं और आपको बहुत ही हमने सिक्योरिटी में क्योंकि ट्रांसपेरेंसी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कही जाती है सिक्योरिटी के अंदर और अकाउंटेबिलिटी तो ब्लॉकचेन में एक सबसे बड़ा फायदा होता है जो सोर्स होता है जहाँ से एक ट्रांजैक्शन इनिशिएट होता है जब तक वो बेनिफिशियरी तक पहुँचता है तो सब आप पॉइंट बाय पॉइंट नोट बाय नोट उसको ट्रैक कर सकते हो ताकि उसमें कुछ भी इधर उधर ना हो तो वो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा यूज केस है तो आपको देखने को सर आपने कई लोगों को रोजगार दिया है 110 लोगों को बता रहे हैं आगे आप क्या टारगेट लेके चल रहे हैं अगले 5 साल में कितने लोगों को रोजगार देने की बात है देखिए 5 साल में तो मैं अभी क्या ही बताऊँ 1,000 से ऊपर हो जाएगा हमारा अगला ही 6 महीने का जो गोल है हमें 50 और लोग हायर करने हैं ठीक है क्योंकि अभी हमने फंडिंग रेज की है तो सबसे पहला हमारा गोल है कि 50 और लोग हायर हो धीरे धीरे करके ये बढ़ेगा हमारा जो गोल है फाइनल वो ये जैसे गूगल वेब 1 में कंपनी बना जिन्होंने काफ़ी अच्छा किया फेसबुक ने वेब 2 में किया तो फायर को वेब 3 में करना है तो वो हमारा फाइनल गोल है तो जो भी गूगल ने किया आप उससे सिनोनिमस हमें रख सकते हैं कि भाई हम वेब 3 में कर रहे हैं आपने फायर के पहले वर्ड में 5 बनाया है वो 5 के लिए बनाया क्या तो वो एक कॉन्सेप्ट है जो मैं पिछले 15 साल से प्रमोट कर रहा हूँ इनफैक्ट मेरी जो पिछली कंपनी थी ऐसी कॉन्सेप्ट या थीम में थी फिफ्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन करके कॉन्सेप्ट है उसकी वजह से 5 आता है तो 5 आया नहीं फायर आया फिफ्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो मैंने बनाया था जब मैं 16 साल का था तब मैंने देखा था कि जितने भी लोग हैं वो या तो प्रॉफिट्स की बात कर रहे हैं कि सिर्फ पैसा कमाना है ऐसे टाइप की कंपनी से या कुछ लोग जो अमीर लोग हैं वो चैरिटी की बात कर रहे हैं कि हमें दान देना है बट कोई भी लोग जैसे बहुत कम लोग दिखाई दे रहे जो उसके बीच में काम कर रहे हैं कि हम पैसा तो कमाएंगे बट दुनिया का बेटरमेंट भी करेंगे तो फिफ्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ये है जितना लोगों का बेटर करेंगे उतना ज़्यादा आप पैसा कमा पाएंगे इसका मतलब ये अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में एक बिजनेस चलाते हैं तो उसमें पैसा ज़्यादा बनेगा कंपेयर टू अगर आप कोल यूज कर रहे हैं या फिर ऐसे कोई जो इन्वायरमेंट को हार्म कर रहे हैं आप दोनों से बेस्ट एंटरप्रेन्योर का भी अवार्ड मिल चुका है 2020 में उसके बारे में क्या कहेंगे और आप कैसा लग रहा है उस जर्नी से आगे तक आते हैं नहीं बहुत ही अच्छा लग रहा है आप मैं एक बात और बोलना चाहूँगा आपने जो बोला कि आप कितना रोजगार देना चाहिए हमारा पहले दिन से यही एम था कि हम कम से कम 100 करोड़ लोगों की लाइफ को पॉजिटिवली टच करें तो कंपनी का सबसे मेन गोल यही है और जब तक वो कंप्लीट नहीं होता हम ये करते ही रहेंगे और आगे बढ़ते ही रहेंगे चलिए थैंक यू सो मच गाइस थैंक यू गॉड ब्लेस यू